देखो देखो हालत देखो इसकी। हमार माथा ही पोटी कर दी है। ठीक ठीक ठीक। ये जो घर है ना मेरे लिए हेवन है। मैं इस बार जो भी लाई हूँ ड्रेसेस में वो कुछ भी वापस लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वहाँ बहुत दिन नहीं रहूंगी और इस कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहाँ कुछ होता ही नहीं है, बाहर निकल भी नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हमारा आउटिंग भी कट है तो बाहर निकल नहीं सकते। तो जैसे रेगुलर जो ड्रेसेस होता है टी शर्ट वगैरह वही है, वहाँ वो सब भी पहनेंगे और बाकी यहाँ जो अच्छे अच्छे जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर ही मैं रख के जाऊँगी। नेक्स्ट ईयर मतलब हमारा फेयरवेल होगा तो उसके लिए सिर्फ एक साड़ी रहेगा, बस वही काफ़ी है। बाकी मैं इतना सब कुछ और एक भी ड्रेस लेकर नहीं जाऊँगी। बाथरूम में देखो दूर से एक छोटू सा चीज नजर आ रहा है, वही है हमारा गोपा। मैं अभी घर में ज्यादा रहती नहीं हूँ और जब आती हूँ तब साथ में मेरे साथ बहुत सारे चीज़ भी लाती हूँ। और उससे क्या होता है, मम्मी पहले से, मैं जब यहाँ से चली जाती हूँ तो मम्मी खुद मतलब अपने तरह कुछ सजा कर रख देती है और मैं आके सब कुछ ख़राब कर देती हूँ मेरे चीज़ रखने की वजह से। मेरा जो भी चीज़ें था वो मैंने इस बैग में रख दिया है, बाकी ये सब तो मम्मी का चीज़ें हैं, ये सब मेरी चीज़ें हैं, ये सब पाउडर वाउडर वगैरह ये तो पहले से ही था, ये मम्मी के बॉक्स है कुछ ज्वेलरी की। और बाकी यहाँ मेरे वाला जो बैग है ये भी रखना पड़ेगा तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। और यहाँ मेरे सब बुक्स रखा हुआ है जो मैं वहाँ से लाई थी। और बाकी अभी मुझे ये वाला चीज़ यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं चली गई तो मेरा वार्डरोब अलमीरा की हालत देखो सिर्फ, कैसे करके सब कुछ रखा है इन्होंने। बाय द वे कपड़ा और सब कुछ ठीक करने के चक्कर में मैंने तो आप लोगों को वेलकम करना ही भूल गई पूरा। मदवे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉगिंग स्टार, फैमिली व्लॉग होगा। ये वाला मेरा जो रिंग लाइट है वो लेकर आई हूँ तो इससे मैं कोशिश करूंगी इसको, और एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी लाई हूँ, ये एडेप्टर भी है, इससे मैं कोशिश करूंगी यहाँ से यहाँ लाइट फैलने की। बाबा इधर तो लाइट ही जल छे ना, एक्सटेंशन क्वार्टर तो दे दीजिए ना, मोड़ते होते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन पापा। एक्सटेंशन कॉर्ड तो फेल हो गया, सेकंड और भी एक एक्सटेंशन कॉर्ड है जो अभी पापा लेने के लिए गया है, उसको देखती हूँ उसको लगा कर होता है या नहीं। वो भी छोटा सा ही है, उस पर शायद पापा वो वाइट वाला लेकर आएंगे। हो गया अभी देखो कितना ज्यादा लाइट आ रहा है। ये तो सादा लाइट थे, यही तो यहाँ चेंज करते देखो पावर बढ़ जाए ना। वही तो पापा है तो कोई दिक्कत के बाद बात नहीं, पापा है तो कोई टेंशन की भी बात नहीं, पापा है तो सब कुछ का सलूशन है, हर एक तरफ से पापा में सलूशन डन। यहाँ एक मेरा ड्राइंग कॉपी भी है जिसमें मैंने एक भी ड्राइंग नहीं किया है, सोच रही हूँ इस बार करूँगी। ड्राइंग करने के लिए ना एनर्जी की ज़रूरत है, जो ड्राइंग करने के लिए माइंड सेट की ज़रूरत है जो मेरे अंदर से बहुत दिन पहले चला गया है। लेकिन एक टाइम था जब मैं बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाती थी। मैं अहंकार नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ। अलमीरा साफ करते करते मैंने एक मेरा ये पुराना डंगरी पहन लिया है, बहुत साल पहले का है जो मुझे अभी भी हो रहा है। इसके मतलब क्या पता है, मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। देखा चो एखने एसो ना, किन्तु ओखने तार आछे, खत ओखने पटी करलो निखत, बुझते ही पारछि। देखि ओ देखि आबार गोपा सरो तो ओ ना पुरोपुरी फ्लप। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने ऑलमोस्ट
सही कर दिया है कि ये और ये इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन थोड़ी कष्ट करने के बाद फिर घुसेगा। मैं सोच रही हूँ मैं इसी व्लॉग में मैं मेरा वार्डरोब का टूर भी कर दूंगी, ठीक है। तो इस वाले जो साइड्स देख रहे हो आप, ये सारे मेरे पैंट्स है एकदम नीचे तक, इधर भी सेम एज पैंट्स ही है, बहुत नीचे तक है, मैं भी दिखा नहीं सकती, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर से खराब हो जाएगा सब कुछ। और इधर है मेरा दो स्वेटर जो मैं वहां से लाई थी, और इधर जो आप देख रहे हो ये सब कुछ मेरा क्रॉप टॉप्स है जो कि एकदम सामने रखा है मैंने, ठीक है। बहुत सारा क्रॉप टॉप्स है जो यहाँ पर नीचे भी है, बहुत हैपजट करके रखा हुआ है। और इधर मेरा कुछ ड्रेसेस है, यहाँ भी ये टी शर्ट्स है, ये तो मैंने वहां से लेकर आई हूँ मैं, ये है एक टॉप स्लीवलेस। और इधर जो भी आप देख रहे हो, जो भी ड्रेसेस है इधर इधर, ये सब कुछ मेरा इंडियन कलेक्शन है, ये क्लासिकल है बेसिकली। तो सूट्स है, सलवार है, कुर्तीज है, प्लाजो शर्ट है, ये सब कुछ है। तो ये दो अभी देख के रखो, बाकी का मैं बाद में दूंगी। इस गेट से घुसते ही पहला जो रूम है फैव प्लेस है ये मेरा, और विंटर में तो और भी अच्छा लगता है कि बाहर बहुत तगड़ा धूप है और यहाँ एक अच्छा सा एक वेदर है, तो मतलब सच्ची में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। ये देखो, मैं जब हॉस्टल में थी तो मैं हॉस्टल में बैठे बैठे ये सिचुएशन में याद करती थी कि यहाँ मम्मी गोपा और मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। वो जो सिचुएशन मैं वहाँ बैठ के याद कर रही थी, अभी वो वाला सिचुएशन फिर से रिमाइंड करने के लिए मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। नया वाला फ्रिज अच्छा है, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। चाय तो खाऊंगी मैं ना, कुरकुरे ओके बना। लोग एकदम दूध का चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी उसके साथ मिक्स करते हैं। हमारे घर में चीनी का इस्तेमाल होना बहुत पहले ही बंद हो गया है। शीतकाले जे लोबट्टा आशे से लोबट्टी हमारा चाय बनाते हैं हम लोग। आइसक्रीम के डिब्बे में क्या है पता है? वो लोबट। मेरे तो इस फैमिली का तो यही है, एक है टूथपेस्ट खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया है, पूरा एकदम पतला हो गया है उसके अंदर, और कुछ बचा हुआ नहीं है। फिर भी उसको मोड़ के थोड़ा टेढ़ा करके बीच में से काट के हम लोग वहां से निकाल के ब्रश में लगाते ही है एकदम, जब तक ना खत्म हो जाए तब तक हम उसको छोड़ते नहीं है। चाय तो उबल गया है, अभी इसमें थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा। ये एकदम चीनी मत डालना, कॉन्डेंस मिल्क वगैरह ये सब बिल्कुल भी मत डालना। लेकिन मुझे मिल गया, फ्रिज के अंदर उस तरफ है, आंख झक मर रही है, कहाँ हो भाई? ओ गॉड, ये देखो मिल गया मुझे। तो बंद हो जाओ। हाँ माँ, ये किस चीज का अचार है? लहसुन का? ना ना, नीचे नहीं बेरी गाचे, दरजाटा बंद कर दाओ। एक भालो करते नहीं तो गोपा बुझलि तो मैं कोथा आछे तो खुनी बोलो ना। ढूंढने के बाद इलायची नहीं मिला, तो थोड़ा अदरक कूट के डाल देती हूँ इसमें। अमन ना भय लगे आधा दिले यदि केटे जाए एटा। কালার হলো না কেন গো এটাতে এতক্ষণ ধরে ফোটানোর পর? এনাও এনাও ধরো। কে জানে চা জাসা লাগ রা হ্যাঁ চায়ের মতো লাগছে না? তো দাও দাও, লাড়বাটি ফুটিয়ে নি দাও, সাদাটা বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে, দাও দেখি আমার ভালো লাগছে না, দাও দাও না, দাও না, আমার আর লাগবে না। এই তুমি দাও না, না এটা হয়ে গেছে তো কি হয়েছে দাও না। पिलाने में मैं नाकामयाब रही, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो चाय जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। वहाँ जाके मम्मी पापा ने मुंह के ऊपर बता दिया कि ये चाय बिल्कुल भी नहीं लग रही है। चलो फिर से थोड़ा चाय पत्ती डाल के मैं बना देती हूँ।
अप डाउन खराब हो गया तो ये क्या करती हूँ पता है, ऐसे करके उबल जाता है पूरा और फिर इसको उठा देती हूँ। मैं जब घर में आती हूँ ना हॉस्टल से तो ओ मैंने ये बात पहले भी बताया, सच्ची में मेरे लिए हेवन है ये मेरा घर। अगर मुझे मेरा घर मिल जाए तो उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बना है ना, ठीक है, ज़्यादा मिठाई भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा बना है। पहले कैसा लग रहा था पीने में। चलो लंच रेडी है, पापा ने बुला लिया है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो पापा बहुत ज़्यादा डांटते हैं। आज पहले दिन आने के बाद ही मुझे क्या खाने को मिल रहा है पता है, ये देखो एक चिली। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वहाँ से पापा को यूट्यूब में एक रेसिपी सेंड की थी कि पापा प्लीज़ ऐसे एक बना देना, मुझे बनाकर खिलाना मैं जब घर जाऊँगी तो, ठीक है। तो पहले दिन आई और पहले दिन आके ही मुझे सब कुछ खाने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा टेस्ट करूँगी और बताती हूँ कि यह कैसे बनी है, ठीक है। ये वाला लेती हूँ, ये वाला। ओह माय गॉड, सुपर। देखो अभी ठंडी पड़ गई है तो मम्मी खिड़की में एक्स्ट्रा चादर लगा रही है। दी पॉट डाटा आगे दी दो तो चादर तक उठे लगा बे। खिड़की हमारा खोला रहता है तो इसलिए डबल प्रोटेक्शन, सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की वजह से। हाँ देखो देख से देखो जो की कोल लो। पा ओ सोना गोपा, मिष्टी गोपा, पुटकू गोपा, छोटू में होएगा छादर रहेगा। चलो गाड़ी सोजा कर देवर पर। हाँ एकदम मिची बहुत मिची बोल पा खाली हाथ लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। चढ़ जाओ चढ़ जाओ। देखो बच्ची को, देखो बच्ची को कितनी नींद बाज। गोपा ओ गोपा छोटो गोपा, देखो देखो हालत देखो इसकी। हमें देखते बच्चे ना कि कुछ ए बाबा गोपा चलाए मन माथे कोरे दे नहीं तो हमार माथा ही टोटी कोरे दी जाए। ची 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 चाय दो थैंक्स। अभी लेकर चापी दी। पापा भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आने के वक्त का जो व्लॉग बनाया था मैंने वो भी देख रहे। और इस बच्ची को देखो। हाँ इसको देखो, बकरवाड़ी चाहिए, मैं वहां से बकरवाड़ी लाई थी तो ये वाला बेटा ही तो नहीं। ये डालते हैं हम सिर्फ फ्लेवर लाने के लिए और कुछ नहीं। अब इसमें है नमकीन, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला शायद अच्छा रहेगा, ये वाला खोलूंगी। घर में सिर्फ मैं ही ये सब खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। डालना शाम का नाश्ता स्नैक्स इज डन, मूढ़ी एंड चना चूर। खाना है तुम्हें? अच्छा रुको मैं लेती हूँ। मीठा जैसा कुछ, ये वाला एक चॉकलेट। देखो 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 इसका हरकत है, देखो यम्मी। ये वो का गुड़ नहीं हो गया, उसका खाना भी हो गया, अभी वो छोने के लिए जा रही है, ये उसके चादर है। चलो गोपू घूम जाओ, गुड नाइट। पापा जा रहे हैं सुबह सुबह बाहर। हाँ বাবা বললে এগুলো তো জল নেই, একটুখানি জল দিয়ে দিতে আমি দিয়ে দেবো পারলে। বাবা সকাল থেকে এত ডাকটা কিসের তোমার, কিসের ডাক? মেরে ঘর মে সুবহ সুবহ ইতনা জাদা ধূপ আতি হ্যায় कि देख के मन एकदम खुश हो जाता है। और हमारे घर
ईस्ट में है, ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए डायरेक्ट धूप हमारे घर की तरफ आती है। चलो आज इस व्लॉग का मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मैं अभी तक सो रही थी और पापा भी निकल गए कुछ काम से बाहर, और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए आज इस व्लॉग का मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिल रहा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, गिव सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय।